रोजाना मूल्य वृद्धि कर रही है और एक तरह से केंद्र सरकार मुनाफाखोरी का काम कर रही है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में पेट्रोल पंपों पर आज धरना दे करके कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करके करते हुए केंद्र सरकार से और मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार को मुनाफाखोरी छोड़नी चाहिए और पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर एक केंद्र सरकार एक बड़ी राशि ले रही है उसको तत्काल कम करना चाहिए और आम आदमी को राहत देने का काम करना चाहिए। देखिए किस प्रकार से उन्होंने उज्ज्वला योजना के नाम पर एक गरीब आदमी को सिलेंडर उनके घर तक पहुंचाए, लेकिन आज वो गरीब आदमी उस सिलेंडर को रिफिल नहीं करा पा रहा है। उसका कारण यह है कि रसोई गैस की के दाम जो है मोदी जी ने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी को फिर से लकड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है और वो गैस सिलेंडर बेकार हो गए हैं। तो हमारी तमाम कांग्रेस के प्रदेश राजस्थान के तमाम कांग्रेसजनों की तरफ से मोदी जी से विशेष ये मांग है कि उन्हें अपना पुराना वादा याद करना चाहिए। सरकार में नहीं थे तो उस समय वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम महंगाई को कम करेंगे। उन्हें अपना पुराना वादा याद करना चाहिए। पेट्रोल डीजल रसोई गैस सहित आम आदमी के काम आने वाली जो घरेलू वस्तुएं हैं उनके भाव नियंत्रित करने चाहिए और पेट्रोल डीजल के भाव तत्काल घटाने चाहिए। 100 रुपये पार जो पेट्रोल पहुँचा है, डीजल भी अब सैकड़े के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है, इससे लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, जो आम जरूरतों की चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो रही हैं। कोरोना काल चल रहा है, लोगों की कमाई नहीं हो रही है, लेकिन उससे जो है दोहरी मार पेट्रोल के साथ साथ महंगाई की भी मिल रही है। देखिए पेट्रोल और विशेषकर डीजल, क्योंकि इनकी रेट महंगी ज़्यादा होने की वजह से हर वस्तु के भाव बढ़े हैं। चाहे दाल के भाव ले लो, दाल 100 रुपये से पार चली गई है। सरसों का तेल है, उसके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसके साथ साथ आम आदमी की जो घरेलू वस्तु उपयोग की वस्तुएं हैं उनके दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और महंगाई आज तक के हाईएस्ट लेवल पर आज हमारे भारत देश में महंगाई है। तो महंगाई के मुद्दे पर जो सरकार केंद्र में दूसरी बार राज कर रही है और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगाई का स्तर है आज मोदी जी की सरकार में, आज 2021 में, तो मोदी जी को कहीं भी नैतिक रूप से सरकार में बने रहने का, बीजेपी की सरकार को राज करने का एक तरह से अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन मुद्दों पर वो सरकार में आए थे उन मुद्दों से वो भटक गए हैं, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कच्चा तेल आप देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय क्रूड ऑयल के भाव 140-150 रुपये हो गए थे पर बैरल, और हम उस समय डीजल के भाव 50-55 रुपये थे। आज क्रूड ऑयल के भाव काफ़ी नीचे हैं, 50 रुपये के लगभग हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल के भाव आज उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। और तो और कोविड के समय में भी उन्होंने डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ाने जारी रखे हैं, तो इससे उनकी जो संवेदन, एक सरकार की जो संवेदना होनी चाहिए उसमें भी वो कहीं भी गंभीर नहीं है, ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। तो मोदी जी को तत्काल महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए और हिंदुस्तान की जनता जो कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से भयंकर परेशानी में है उसको राहत देनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार के साथ साथ में लोगों का ये कहना है कि अगर राज्य सरकार है, अगर सेस और वैट कम करे तो कुछ राहत मिल सकती है। देखिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों पेट्रोल डीजल में टैक्सेस कुछ कम किए हैं और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार का इतना कोई विशेष ज़्यादा टैक्स नहीं है। आप देखिए डीजल और पेट्रोल पर 25 रुपये से लेकर 40 रुपये तक प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर केंद्र सरकार वसूल रही है और उसी वजह से डीजल और पेट्रोल की रेटें ज़्यादा है। मोदी जी की सरकार को एक्साइज ड्यूटी तत्काल कम करनी चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी की मांग है। बहुत शुक्रिया सिंह भाटी जी, उच्च शिक्षा मंत्री, जिन्होंने खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की है इंडिया न्यूज़ के साथ, बताया है कि किस तरीके से राज्य सरकार का जो टैक्स है, जो वैट और सैक्स लगा रखा है, वो काफ़ी जो है कम है। और उसके साथ साथ में इन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार को जो ये जो टैक्स हैं वो कम करने की पूरी तरीके से कांग्रेस का जो एक प्रयत्न है और ये पूरी तरीके से एक धरना दिया जा रहा है, सांकेतिक धरना, और कोविड की गाइडलाइन पूरी तरीके से इसमें पालन किया जा रहा है। तो इनकी मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि वो टैक्स जो है पूरी तरीके से कम करे, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो कम करके जो आमजन के ऊपर जो रेट का जो इतना ज़्यादा भार पड़ा हुआ है उनके ऊपर और जो उनका जो बजट गड़बड़ा रहा है उससे उन्हें राहत मिल सके। सहयोगी तनुज के साथ ध्वज इंडिया न्यूज़ जयपुर।